फ्यूचर साइंटिस्ट स्टार्ट करें क्या क्या स्टार्ट करें साइंस 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 में आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पढ़ रहे थे हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ रहे थे हम क्या? फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स। बेटा पता है, बेटा पता है क्या कि अक्सर खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है? यानी फूड से ही तो होगी पॉइजनिंग, और क्या? ये तो हमने पहले से जानते थे। ये क्या बता रहे हो सर? कोई बड़ी बात नहीं बेटा, जिस तरीके से मैंने बताया था तुम्हें कि फूड पॉइजनिंग अक्सर लोगों को हो जाती है, तो क्या रहता है? तुमने देखा होगा क्या इसके प्रति ज्यादा अवेयरनेस है क्या? नहीं है। आसपास चारों तरफ ठेले दिखेंगे जो क्या करते हैं, मतलब खुला हुआ खाना रखते हैं, और वो खाना हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्यों उससे हमें फूड पॉइजनिंग हुई? क्योंकि आसपास बैठने वाले मच्छर मक्खी पता नहीं नाले में थे, कहां से थे, वो आते हैं उड़ के अपने पैरों में क्या ला रखा, उन्होंने गंदगी ला रखी है, वो उस पर आकर बैठ गए और वही हमने क्या कर लिया, खा लिया। तो इससे क्या हो जाता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है कि नहीं? अब देखो बेटा, इसलिए मैं कहता हूं खाने को अच्छी तरीके से पहले देख लिया करो सही है क्या। बेटा खाना सही तो था ये देख लिया करो, ये नहीं बेटा, ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूं ना, खाने को अच्छी तरीके से देख लिया करो कि सही है क्या। बेटा ये वॉमिटिंग से पहले देखना, वॉमिटिंग के बाद नहीं, कि वॉमिटिंग होगी उसके बाद देख रहे हो सही था क्या खाना। बेटा वॉमिटिंग के पहले देखना है, ठीक है? क्या देखना है? वॉमिटिंग के पहले, यानी वॉमिटिंग ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं क्या कर रहा था कि एक बार जब ये फूड पॉइजनिंग वाली बात हुई, कि फूड पॉइजनिंग मुझे भी हो गया, मैं अक्सर खा लेता था बाहर खाना। तो क्या हुआ, क्योंकि बाहर रहते तब खाना बनाना आता नहीं था शुरुआत में, तो क्या करते थे कि बाहर का खाना खा लिया, उससे क्या होता था, पेट खराब हो गया, यानी फूड पॉइजनिंग हो गई। अब मैं जब डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर के पास जाकर मैं देखता हूँ कि जहाँ डॉक्टर का क्लिनिक है, जस्ट उसके बाहर ठेला लगा हुआ बढ़िया समोसे का, और वो बढ़िया पूरा फास्ट फूड का, और खुले मक्खियां वक्खियां बैठ रही है, और अंदर डॉक्टर, मैंने कहा बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है इसने, यहाँ से फूड पॉइजनिंग अंदर जाओ, ठीक है? पहले से इंतजाम कर रखा था उसने, यहाँ फीस लाओ, उधर जाके खाना खाओ, फिर वापस मेरे पास आओ, ठीक है बेटा? तो ये हो गया। अब मैं बताता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या रहते हैं, टॉक्सिक रहते हैं। तो तुम्हें समझ आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक रहते हैं, तभी तो हमें ये फूड पॉइजनिंग हुई है कि नहीं बेटा? अब क्या रहता है, ये फूड खराब फूड को खाने से ही फूड पॉइजनिंग होती है, तो हम जानते ही है। अब ये खराब फूड ना हो जाए, खाना खराब ना हो जाए, उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं तुमने, उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंतजाम नंबर एक क्या करते हैं, जैसे मान लो अब तुम घर में तुम्हारे आम है, अब आम रखे रहोगे घर के अंदर तो वो क्या सड़ जाएंगे। तो एक बात बताओ, तुम्हारी जो दादी माँ ने, तुम्हारी जो मम्मी ने जो आम रखे हैं, अचार वाले आम, वो क्यों नहीं सड़े बेटा, ये बताओ बेटा, वो क्यों नहीं सड़े? तो बेटा बताओ वो क्यों नहीं सड़े? उन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो नहीं सड़े और नॉर्मल आम सड़ जाते हैं? ऐसा क्या किया उन्होंने, उसके अंदर क्या सिरका मिला दिया था, सिरके को क्या कहते हैं, विनेगर मिला दिया था। तो पहला प्रिजर्वेटिव क्या हो गया, विनेगर, लिख लो बेटा, ठीक है? मतलब मेरी बात समझो, इसको कहते हैं केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं सॉल्ट को और एडिबल ऑयल को, खाने वाला तेल जो खाया जा सकते हैं, एडिबल ऑयल, इन दोनों को मिला के एक पेस्ट तैयार किया गया, और ये पेस्ट क्या काम करेगा, प्रिजर्वेटिव्स का काम करेगा, और ये बचा लेगा हमारे, किसको बचा लेगा, हमारे आम को बचा लेगा, सड़ने से बचा लेगा बेटा। बढ़िया खाना बेटा, मुंह पानी आ गया होगा मैं जानता हूँ अचार का नाम सुनकर तुम्हारे बेटा। इसी तरीके से कई और प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे एसिड प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। एसिड प्रिजर्वेटिव्स के नाम लिखो बेटा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, ठीक है? सोडियम बेंजोएट लिख लो बेटा,
सोडियम बेंजोएट लिख लो बेटा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड। ये हो गए, क्या हो गए, एसिड प्रिजर्वेटिव्स, क्या हो गए, एसिड प्रिजर्वेटिव्स। बेटा प्रिजर्वेटिव मतलब तो समझ आ गया, प्रिजर्व करना, बचा लेना, प्रिजर्व कर लेना, इसलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। अच्छी बात बेटा। और बताओ बेटा, घर की मत बताओ, मैं पूछी जा रहा हूँ, और प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताओ। तो एकदम से शुरू होने वाले थे, मैं जानता था कि मैं अपनी पूरी कहानी सुना दूं, गांव गया था मैं, वहां गया बेटा। तो और प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताओ बेटा। इतने सारे तुमने बता दिए क्या, मुझे कह रहे हो और तो नहीं पता, और कितने तुमने बता दिए, हाँ कितने बता दिए बेटा, हाँ कितने प्रिजर्वेटिव्स बता दिए। क्या हुआ बेटा, कितने बता दिए बेटा। प्रिजर्वेटिव्स की बचा, प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज किए जा रहे हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर पाए। पेस्ट बनाया था अभी नमक का, और उसका किसका, ऑयल का। क्यों बनाया था, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए मेरे आम पे, ताकि मैं उस आम को खा सकूं। क्योंकि बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है बेटा, भगवान हर जगह है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हर जगह है। अच्छा बेटा, एक बात याद आई बेटा, ठीक है बेटा, एक बड़ी अच्छी बात आई, एक अच्छी शायरी याद आई, सुनो बेटा गौर से सुनो। मेरे राम की दया है, मेरे राम की दया है, जो दिखती हस्ती तुम्हारी है। मेरे राम की दया है, जो दिखती हस्ती तुम्हारी है, वरना वरना छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते। मेरे राम की दया है, जो दिखती हस्ती तुम्हारी है, वरना छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते, जिनसे भरी दुनिया सारी है। बेटा इसके आगे लिखते हैं, शायरी के बाद एसिड प्रिजर्वेटिव्स में आगे के और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में लिखते हैं बेटा। तो बेटा क्या करेंगे इसके अंदर, कि जैसे हम देखा होगा कि जैसे मीट, फिश, ये सब क्या करते हैं, जब सप्लाई करते हैं, सप्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसको सॉल्ट्स में यानी नमक के अंदर उसको डाल के रखा जाता है। तो नमक के अंदर डाल के रखें, ताकि वो सड़े नहीं, मांस सड़ ना जाए, मीट सड़ नहीं जाए। इसी तरीके से आंवला और मैंगो, आंवला मैंगो वगैरह जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को भी तुमने देखा होगा नमक के अंदर रखते हैं जो सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो पेटियों में बंद होकर आते हैं, तो क्या करते हैं सॉल्ट में उसको बंद करके रखते हैं। इसी तरीके से शुगर को मिलाया जाता है जेम्स जेलीज में, सॉइल शुगर क्या करता है, शुगर क्या करता है, रिड्यूसेस मॉइस्चर, शुगर मॉइस्चर को रिड्यूस करता है। उसके बाद ऑयल एंड विनेगर क्या करता है, ऑयल एंड विनेगर पिकल्स में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया ना। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो बॉइलिंग मिल्क किया, ये हॉट ट्रीटमेंट हो गया, और रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर में अपने फ्रिज में रख दिया तुमने, तो वो कोल्ड ट्रीटमेंट हो गया, कोल्ड ट्रीटमेंट हो गया। इसकी वजह से भी इस पर अटैक नहीं कर पा रहे, कौन अटैक नहीं कर पा रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पा रहे। तो ये सारे के सारे एक तरीके से प्रिजर्वेशन हो रहा है उनका, और ट्रीटमेंट्स हैं बेटा, इस चीज को लिख लो जल्दी जल्दी। बिल्कुल बेटा, तो अभी तुमने जो क्वेश्चन पूछा कि दूध को बचाने के लिए क्या करते हैं, कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना करते हैं, हॉट ट्रीटमेंट क्या है, हॉट ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट है कि जब तुम दूध लेके आते हो तो क्या करते हैं तुम्हारे मम्मी, उसको गर्म कर लेते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, ज्यादा दिन तक रखने से वो खराब हो जाता है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देते हैं। अब बात आई कि वो तो थोड़े समय के लिए ही सही होता है, वो तो क्या रहेगा, थोड़े समय के लिए सही होता है, हो सकता है कि उसको 8-10 घंटे बाद वो क्या होगा, दोबारा खराब हो सकता है।
खराब हो सकता है, उसको बचाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं पास्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये लुईस पाश्चर ने बनाया था ये प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बारे में करते हैं पास्टराइजेशन क्या है, उसके अंदर क्या करते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे उबालना शुरू करेंगे दूध को। 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को उबालना शुरू किया, 15 से लेकर 35 सेकंड तक उसे उबाला, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप वन में मैंने लिखा है क्या, 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे उबालेंगे। उसका स्टेप टू में लिखा सडनली चिल्ड, अचानक से उसे ठंडा कर देंगे, सडनली चिल्ड। इसके लिए क्या करेंगे, हम तुरंत रेफ्रिजरेशन में रख दो उसको। ठीक है, और अलग जो उनके पास जो भी उनके पास स्पेशल टाइप की मशीन से जो उसे जल्दी से चिल्ड कर रही है उसमें रख दिया। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, सडनली चिल्ड हो गया, सडनली चिल्ड हो गया, सडनली चिल्ड हो गया, उसका तुरंत क्या कर दिया, उसे सील्ड करके यानी स्टोर कर दिया, तुरंत सील्ड कर दिया। तो ये प्रोसेस है, यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर अचानक से हीट किया, तुरंत चिल्ड किया और तुरंत पैक किया, इस चीज को कहेंगे पास्टराइजेशन। इससे क्या रहता है, फूड लॉन्ग टर्म के, फूड नहीं दूध मिल्क लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो जाता है। लिख लो इस चीज को बेटा। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मैं क्या करूंगा, इसके आगे क्या आएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा, और क्या आएगा अगला टॉपिक, क्या आएगा, हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।